मंच पर आसीन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री गिरिजा शंकर जी, श्री दिवाकर मुक्ति बोध जी, श्री संजीव झा जी, आप सभी को मेरा नमन। मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर किताब वरुण श्रीवास्तव सर की लिखी हुई इसकी एक समीक्षा करने आया हूँ, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि पहले जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे पढ़ाया है वही लोग आज मुझे यहाँ सुन रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। और सबसे अच्छी बात है कि वरुण श्रीवास्तव सर की ये तीसरी किताब है और मैंने तीनों किताबें पढ़ ली हैं। ये किताब मैंने हाल में पढ़ी है, और चूंकि मैं मीडिया का एक शिक्षक हूँ, इससे पहले विद्यार्थी था, तो जो सबसे गहन रुचि वाली जो बात हो ये रहती कि जब भी आप किसी के साथ संवाद करें या संप्रेषण करें तो उसको प्रभावित बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है आपके संवाद में या फिर स्पीच में या भाषण में। मुझे इस किताब में वो एक एलिमेंट दिखाई दिया, एक तत्व दिखाई दिया संचार का, वो ये है कि इसमें 96 विषयों पर वरुण सर ने अपना व्यू दिया है या अपना जो उन्होंने देखा है आपको प्रस्तुत किया है। 96 विषयों का एक समाधान प्रस्तुत होता है चंद शब्दों में। चंद शब्दों में मैं इसलिए कह रहा क्योंकि जब हम बात करते हैं सबसे प्रभावी संचारक की तो हम संत कबीर को याद करते हैं। संत कबीर की जो दोहे थी वो भी दो पंक्तियों की ही हुआ करते थे, और सिर्फ दो पंक्तियों में वो एक प्रॉब्लम को रेज कर कर यानी कि एक समस्या को उठा करके उसका समाधान अपने निचली पंक्ति में दिया करते थे। तो इस तरीके से ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी कि 96 विषय इसमें हैं, और ये विषय सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इसमें मीडिया के भी विषय हैं, सामाजिक सौदेश्य भी इसमें दिखाई देता है। और यह किताब उन सभी समाचार पत्र के पाठकों और टेलीविजन चैनल के दर्शकों के लिए है जो हर दिन टेलीविजन पे प्राइम टाइम न्यूज देखते हैं या फिर समाचार पढ़ते हैं, क्योंकि इस किताब में हिंदी भाषी राज्यों के वो सभी समस्याओं का उल्लेख है जिसको हम सभी को जानने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह कि जब कोई संपादक समाचार के इधर कुछ लिखता है तो ये बड़ा रोचक होता है, क्योंकि समाचार हम सभी जानते हैं कि क्रिएट की जाती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक नया रूप दिया जाता है और वो समाचार होता है। इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही उत्सुकता भरा बन था जब मैंने इस किताब को खरीदा कि एक संपादक समाचार के अलावा अगर कुछ लिख रहा है तो उसके अंदर कुछ सच्चाई होगी, कुछ रहस्य होगा जिसके पृष्ठभूमि पर समाचार लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से सच्चाई का पता लगाने के लिए भी मैंने ये किताब को खरीदी है, आप ये भी कह सकते हैं। जब वरुण सर से मेरी बात हुई इस किताब को लेकर कि मुझे भी मौका मिलेगा बोलने का, उन्होंने स्पष्ट कहा कि व्यक्ति विशेष पर केंद्रित आप बात नहीं करेंगे, कंटेंट पर बात करेंगे। कंटेंट के बारे में फिर से बात करूंगा। इसका जो लेखन है सर, ये प्रिंट मीडिया की कम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़्यादा लगती है। इसका कारण ये है कि जब आप इसको पढ़ना लिखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं तो लगातार आप पढ़ते हैं, आप कहीं पर रुकते नहीं हैं। इसके अलावा इसमें कुछ रोचक किस्से हैं, जैसे दो राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं उनको एक फिल्म से तुलना करते हुए उन्होंने उपमा दी है, जॉन अब्राहम की और नाना पाटेकर की। ये इस तरह के विषय है इस किताब को और रोचक बनाते हैं। इसके अलावा ये किताब अगर देखी जाए तो बहुत ही हैंडी है, हल्की है, और इसकी कीमत भी बहुत कम है।